नाथनगर थाना क्षेत्र रन्नूचक मकंदपुर गांव में सोमवार की देर शाम मोबाइल चोरी के आरोप में एक नाबालिग और एक युवक को लोगों ने कमरे में बंद कर जमकर पीटा। लोगों ने मानवता को दरकिनार कर हैवानियत की सारी हदें पार करते हुए नाबालिग के पैर हाथ सहित गुप्तांगों को बुरी तरह जख्मी कर दिया। किसी तरह जान बचाकर दोनों युवक नाथनगर थाना पहुँचे, जहां नाबालिग की गंभीर स्थिति को देखते हुए इंस्पेक्टर ने इंजरी दिया और इलाज के लिए रेफरल अस्पताल भेजा। पीड़ित युवक ने बताया कि 28 जुलाई की सुबह घर जा रहा था, तभी संजय चौधरी के पुत्र मोहित कुमार ने अजीत चौधरी के घर ले जाकर बिजली के तार से पीटना शुरू कर दिया और मोबाइल चोरी की बात स्वीकार करने की बात कही। साथ ही सुमन चौधरी, पीयूष कुमार, निधि वर्धन और उत्तम कुमार नामक युवक ने भी तार और लाठी डंडे से पिटाई की। साथ ही कमरे में पहले से ही गांव के एक युवक को घायल कर बंद कर रखा था। बदमाशों ने जबरन मोबाइल चोरी की बात कबूल करने और मोबाइल के बदले 20,000 रुपये देने की बात कहते हुए युवक को इतना पीटा कि वह बेहोश होकर कमरे में गिर पड़ा। वहीं भागने के क्रम में पीयूष ने नाबालिग के गर्दन पर धारदार हथियार से जान से मारने की नाकाम कोशिश की। वहीं दूसरे पक्ष के लोगों ने भी केस दर्ज कराया है। नाथनगर इंस्पेक्टर मोहम्मद सज्जाद हुसैन ने बताया कि दोनों पक्षों का केस दर्ज कर लिया गया है। मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। सिल्क टीवी से सुमित शर्मा की रिपोर्ट।